कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए भाजपा विधायक विष्णु खत्री ने एक अभिनव पहल की है। विष्णु खत्री ने कहा उनके क्षेत्र में सबसे पहले वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाली पंचायत को वे 10 लाख रुपए देंगे। कोरोना से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग तरीके अपना रही है, वहीं ज्यादा मेहनत ग्रामीण क्षेत्रों में करनी पड़ती है। इसी कड़ी में भोपाल के बैरसिया से भाजपा विधायक विष्णु खत्री ने एक अलग पहल की है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। विधायक विष्णु खत्री ने घोषणा की है कि जो पंचायत सबसे पहले वैक्सीनेशन पूर्ण करेगी उस पंचायत को वे 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। दूसरे नंबर पर वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाली पंचायत को 7 लाख रुपए और तीसरे नंबर पर वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाली पंचायत को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह राशि विधायक अपनी विधायक निधि से देंगे और इस राशि का उपयोग पंचायत अपने विकास कार्य में कर पाएगी। विधायक विष्णु खत्री पूरे कोरोना काल में क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। यदि संक्रमण का कोई बचाव है तो वह वैक्सीनेशन, वो ग्रामीण क्षेत्र में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि या हमारे ग्रामीण बंधु हमारी बहनें वैक्सीन लगवाएं, और इसके लिए हमने हमारे जनप्रतिनिधियों से भी हम आग्रह लगातार कर रहे हैं और हमने एक इसमें एक प्रतियोगिता जनप्रतिनिधियों के बीच में हम कर रहे हैं कि हमारी जो पंचायत सबसे पहले 100% जो 45+ का वैक्सीनेशन कराएगी उसको मैं विधायक निधि से 10 लाख रुपये विकास कार्य के लिए दूंगा, और द्वितीय स्थान पर जो रहेगी उसको हम 7 लाख रुपए, और तृतीय स्थान पर जो पहले 3 क्रमशः 1, 2, 3 में जो आएंगे उनको 3 लाख रुपए तृतीय को इस प्रकार से हम विकास कार्य के लिए उसमें देंगे। हिंडाल्को महान पावर एल्युमिनियम की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।